गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, नर्तन पाए विषय मन देही पलट सुधाते सठ बीस ले ताहि कबहु भल कहे न कोई गुंजागर से परस मनि खोई आकर चारी लक्ष चौरासी जोनि भरमत यह जीव अविनाशी। जब यही पसंद है हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने पराती भजन लिखा, उसमें क्या लिखा उन्होंने, उठो मोमोक्षो मोहनी दसे ध्यान भजन की बेला है आत्मबोध बिनु जन्म जन्म से आत्मबोध बिनु जन्म जन्म से मन इंद्रिय संग खेला है उठो मोमोक्षो। बकरी के जोनी में गए तो वही हाल, और गाय के जोनी में गए तो वही हाल, और कुत्ता के जोनी में गए तो वही हाल, हाथी घोड़ा के जोनी में गए तो वही हाल, और मनुष्य का जोनी पाए तो फिर वही हाल। क्या भजन और क्या भक्ति हो, वासना से भक्ति होती है क्या, साधना से भक्ति होती है, साधना से कल्याण होता है। ये तो जन्मने मरने का उपाय है, वासना क्या है, जन्म लीजिए और मरिए, जन्म लीजिए और मरिए, यही तो मिलेगा अंत में। वो लड़का और लड़की दोनों दरिद्र है, दोनों में से सुखिया कोई नहीं है, दोनों भिखारी है, दोनों भिखमंगा है। फर्क है कि इस लड़की को लगता है लड़का है धनी, और लड़का को लगता है लड़की है धनी, लेकिन वास्तविकता है लड़की भी दरिद्र है और लड़का भी दरिद्र है। ये दोनों दरिद्र एक दिन मड़वा पर जाके मिलेंगे, ये दोनों दुखिया एक दिन मड़वा पर जाके मिलेंगे, और दो एक एक जगह लिखा जाए तो पढ़ने में कितना होगा, दो एक एक जगह लिख दे तो पढ़ने में कितना होगा, एक ग्यारह। एक दरिद्र लड़का एक दरिद्र लड़की, और दोनों मिलेंगे मड़वा पर, और दोनों मिलके एक आध दर्जन बच्चा पैदा करेंगे, दुख ग्यारह गुना बढ़ेगा, उसी बच्चा का पैखाना पेशाब नेटा पोटा, अब ब्याह शादी करके दोनों प्राणी नरक चले जाएंगे। काम का लगन से कितना फायदा मिला अंत में, क्या सब फायदा मिला, क्या सब फायदा उठाए, छन लगी सुख जन्म भर पीरा कष्ट समझ ही खोटी अधीरा। वासना का सुख है 5 सेकंड का और दुख है पूरे जीवन का, दुख पूरे जीवन भर उठाना पड़ेगा। याद कर लीजिए, साहब कबीर बीजक से कहते हैं, वो महिला कह रही है, जान पुरुषवा मोर आहार अनजाने का करो श्रृंगार, कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, इच्छा रूपी बुढ़िया आनंद की गीत गा रही है, कहे कबीर बुढ़िया आनंद गाए, अपूत भता रही बैठी खाए, दोनों को खा गई।
पूत को भी खा गई और दूल्हा को भी खा गई, दोनों को खत्म किया। यही लगन है। इस लगन में वास्तव में ये साध्वी बोल रही थी। अब पश्चिमी सभ्यता आया, जब स्टेशन पर जाता हूं ट्रेन पकड़ने, एक भी लड़की सलवार कुर्ती में नहीं मिलती है, सब जींस पैंट और टी शर्ट पहन के रहती है खड़ा स्टेशन गाड़ी पकड़ने। क्या करेगी लड़की सब? इंजीनियर बनेगी कि हेमा मालिन बन जाएगी? सिनेमा में जाएगी क्या कि डॉक्टर बनेगी कि कलेक्टर बन जाएगी? मुसलमान को तो हम लोग हंसते हैं, लेकिन मुसलमान, एक मुसलमान हमसे कहा, एक मुसलमान हमसे बताया कि हम लोगों को तो आप लोग हंसते हैं मुसलमान को, लेकिन आप बताइए, आप लोगों के यहां जब विवाह होता है लड़की के और जब बरियात आता है तो आपके यहां की औरत लड़का के नानी के दादी के मौसी के ममानी के फुआ के एक भी इज्जत एक जगह रखती है क्या? हम लोग के यहां भी सुने हैं कभी? मुसलमान के यहां भी कभी सुने ऐसी बात? मुसलमान की बेटी कितना पर्दा में रहती है, उसके पैर की उंगली आप नहीं देख सकते हैं, उसका मुंह नहीं देख सकते हैं, आंख भले ही धोखा से देखा जाए तो देखा जाए, इतना इज्जत से चलती है, इतना पर्दा से चलती है। मोहम्मद साहेब मुसलमान थे, उन्होंने कहा औरत पराई मर्दों से और मर्द पराई औरतों से, अपने निगाहें बचा के रखे और अपने अपने शर्मगाहों की रक्षा करे। ये मोहम्मद साहब की बात। आज हिंदू समाज जिसको हिंदू कहते हैं, ये कहां जाएगा, क्या करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सब काम के लगन में व्यस्त है, एकदम कुछ सूझ नहीं रहा है, अंधा हो गया। लड़की भी अंधी होती चली जा रही है और लड़का भी अंधा, ये वासना का निमंत्रण दे रहा है दोनों मिल। अंत में कोई लाभ नहीं, अंत में दुख। वासना का रिजल्ट अंत में दुख है। बेटा भोजन नहीं देगा, पुतोह भोजन नहीं देगी, पंच के यहां जाना पड़ेगा। कपड़ा नहीं मिलेगा, बिछावन सही नहीं मिलेगा, यही तो अंत में होगा। बंधुओं, हम सारे लोग काम के लगन में व्यस्त हैं, जहां से रिजल्ट अंत में कोई अच्छा मिलने वाली नहीं है। दो चार बाल बच्चे होंगे, दो चार बाल बच्चे होंगे, वासना की गर्मी खत्म हो जाएगी और उसी का लालन पालन करते बस समाप्त, खत्म हो गया, मिला कुछ नहीं अंत में। और दूसरे लोग दाम के लगन में व्यस्त हैं। दाम के लगन में व्यस्त रहने वाले चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं, चावल में कंकर मिलाते हैं, डंटी मारते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं धन बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए। साहब कबीर ने कहा, सपने सोया मानवा खोली न देखे नैन, जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन न देन।
जैसे सपना में हम लोग रात्रि में सोए रहते हैं, सपना देखते हैं कि हम हाथी पर बैठे हैं, 500 बीघा जमीन हमारे पास है, हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए, हम बिहार के मुख्यमंत्री हो गए, कलेक्टर की नौकरी पा गए, 5 महल का मेरा मकान है। और सवेर में जब नींद खुलती है तब क्या सब मिलता है? या सपना में हम देखते हैं कि हमको भूत ने मार दिया, हमको डकैत ने मार दिया, हमको सांप ने काट लिया, हम मर गए, हमको बाघ ने मार दिया, हमको सिंह ने मार दिया। और नींद खुलती है तब क्या मरे रहते, मर जाते हैं क्या? वैसे दुनिया का नाना कुकर्म करके हम सपना का महल तैयार करना चाहते हैं। जैसे नींद खुली तो ना आप राजा हैं और ना आप दरिद्र हैं, ये दोनों झूठ था। ठीक उसी प्रकार से अभी जो आप महल बना रहे हैं, अभी जो आपकी जमीन की खरीदारी हो रही है, आपका गाड़ी घोड़ा खरीदा रहा है, माल मवेशी खरीदा रहा है, हाथी घोड़ा, ये सारा आपने सपना का महल तैयार किया है। नींद खुली तो सारे कुछ खत्म हो गए, आंख खुली तो सारे कुछ खत्म, और जितना कुछ आपने बनाया है आंख बंद हुई तो सारे कुछ, आंख बंद हुई महल किधर गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन किधर गए? इंदिरा गांधी का सारा सुख कहाँ गया? राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, मुरारजी दसाई, वो पद कहाँ गया प्रधानमंत्री वाला? सारा सुख किधर चला गया? ये सपना का महल जागृति में लोग बना रहा है, दाम के लगन में फंसकर। बहुत सारे लोगों को तो सत्संग अच्छी नहीं लगती है, अरे क्या ही निठल्ला बाबाजी सब कोई काम नहीं है, अपना कुछ बोल रहा है। बंधुओं, ये दाम का लगन भी आपको अंत में नरक ले जाएगा, काम का लगन भी नरक ले जाएगा, दुख में ले जाएगा, और दाम का लगन भी आपको दुख में ले जाएगा। परम पूज्य अभिलाख साहब एक बार मन से बोल रहे थे, लोग कहता है कि निपुत्तर के दर्शन करने से जतरा बिगड़ जाता है, तो साहेब जी ने कहा कि मेरा भी दर्शन कोई आदमी मत कीजिए, हम भी निपुत्रे हैं, हम भी निपुत्तर हैं, हमको भी एक भी बाल बच्चा नहीं है, तो हमारा दर्शन कीजिएगा जतरा बिगड़ जाएगा। अगर पूत वाली के दर्शन से जतरा बन जाए तो सब लोग कुत्ती के दर्शन कर लीजिएगा, 16 को बेटा एक के दिन, सबका जतरा बन जाए। बच्चा पैदा करना, भोजन करना, पानी पीना, पैखाना पेशाब करना, बच्चा पैदा करना, सोना, दुश्मन से भय रखना और बाल बच्चों से लाड़ प्यार करना, ये धरती पर जितने भी अंडज, पिंडज और उष्मज जितने भी प्राणी हैं, सब भोजन करते हैं, सब पानी पीते हैं, सब पैखाना पेशाब करते हैं, सब बच्चा पैदा करते हैं, सब विश्राम करते हैं, सब दुश्मन से डरते हैं और सब अपने अपने बाल बच्चों से प्यार करते हैं।
ये कौन बड़ी बात है। अगर मनुष्य इतना ही काम तक सीमित है तो उसको मनुष्य कहने का अधिकार है क्या? वो मनुष्य है क्या?